सहजन की फली स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी हैं, पर इनके छिलके समेत बना खाना कुछ लोगों को इजी नहीं लगता। आज हम सहजन की फली का पल्प निकालेंगे और इस पल्प से बनाएंगे स्वाद भरी सब्जी और गर्मा गर्म सूप। न बनाने में देर लगेगी और खाने में तो ये बहुत ही अच्छे लगेंगे। नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। ये 6 सहजन की फली, वजन में ये 400 ग्राम। तो देख कर लाइए कि फलियां थोड़ी मोटी हों, तभी इनमें से अच्छा पल्प निकलता है और एकदम ताजे हों। तो इन्हें हमें छीलना भी नहीं है, आगे पीछे से थोड़ा जो बहुत ज्यादा हार्ड पार्ट है वो हटा दीजिए। बहुत ही कम मेहनत करनी है पल्प निकालने के लिए, 4-5 इंच की लंबाई में काट लीजिए। ये सारी फलियां हमने काट ली इसी तरह से। अब चलते हैं गैस के पास। कुकर ले लिया और ये फलियां इसमें डाल दीजिए, और इसमें डाल दीजिए 2 कप पानी। कुकर को बंद कर दीजिए और हाई फ्लेम पर 1 सीटी आने तक इन्हें कुक कर लीजिए। इसके बाद फ्लेम बंद, कुकर ठंडा होने के बाद इसे खोल लीजिए। 1 सीटी में ही ये एकदम नरम हो गई। अब इन्हें निकाल लीजिए, किसी छलनी में पानी निचुड़ जाए और इन्हें थोड़ा ठंडा होने दीजिए। पल्प निकालने के लिए एक एक फली उठाइए और इसको ऐसे खोल लीजिए और चम्मच की हेल्प से सारा पल्प इस तरीके से खींच कर निकाल लीजिए। ये बड़े आसानी से निकल जाता है और ये जो छिलका रह जाएगा इसे हटा दीजिए। सारी फलियों को इसी तरीके से खोलेंगे और पल्प निकाल लेंगे। अब इस पल्प से आप सब्जी या सूप जो भी बनाना चाहें बना सकते हैं। पहले सूप बना लेते हैं। तो वही कुकर ले लिया और इसमें डाल दीजिए 1 टमाटर, ज्यादा छोटा नहीं काटना, 2 टुकड़े कर दिए। ये 1/4 कप फ्रोजन स्वीट कॉर्न के दाने। स्वीट कॉर्न के दानों को फ्रोजन करने का तरीका मैंने वीडियो में बताया हुआ है, और अगर आपके पास ताजे दाने हैं तो वो भी ले सकते हैं। और ये जो पानी जिसमें अभी हमने सहजन की फली उबाली थी उसको फेंकना नहीं है, इसमें भी बहुत न्यूट्रिशन है, तो इसी में से 1/2 कप पानी आप इसमें डाल दीजिए। कुकर बंद कर दीजिए और 1 सीटी आने तक इन्हें उबलने दीजिए। इसके बाद फ्लेम को धीमा कीजिए, 2 मिनट और उबाल लीजिए धीमी फ्लेम पर। कुकर ठंडा होने के बाद इसे खोल लीजिए और ये टमाटर और कॉर्न इसमें से निकाल लीजिए। 1 टमाटर का छिलका तो हट गया और दूसरे का भी आसानी से इसे इस तरीके से हटा दीजिए। ठंडा होने के बाद इन्हें डाल दीजिए जार में, एकदम गर्मा गर्म मत पीसिए, और इसमें से 2-3 चम्मच पल्प ले लीजिए। ये फलियां थोड़ी पकी थी तो इनमें ये मोटे बीज निकल आए हैं। सूप बना रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, ये पीस जाएंगे और हम सूप को छानेंगे भी। अब इसे बारीक पीस लीजिए। ये हो गया। अब इसमें पानी डालकर थोड़ा उबालेंगे, कैटल में डाल देते हैं, और ये वही पानी ले लेंगे जो सहजन उबालने से बचा था। ये सारा पानी डाल दिया, लेकिन सूप अभी बहुत गाढ़ा है। अगर आप गाढ़ा सूप पीना चाहते हैं तो इतना ही पानी काफी है। थोड़ा सा पतला सूप चाहते हैं पानी और डाल दीजिए। ये 1/2 कप पानी और डाल दिया, फ्लेम ऑन कर दीजिए, और ये 1/4 छोटी चम्मच काला नमक और 1/4 छोटी चम्मच सादा नमक या स्वादानुसार, 1/4 छोटी चम्मच क्रस्ट काली मिर्च, काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, और 1/4 छोटी चम्मच भुना जीरा पाउडर बस, और ज्यादा मसाले नहीं डालने इसमें। और अब इसे 1 उबाल आने तक कुक कर लीजिए। उबाल आ गया है, अब इसे पूरे 4-5 मिनट तक इसी तरीके से उबलने दीजिए। थोड़ी थोड़ी देर में इसे चला भी दीजिए। 5 मिनट उबल गया, बढ़िया सा गाढ़ापन आ गया इसमें। अब इसे छान लीजिए। सूप छानने वाली छलनी ले लीजिए, कुछ है नहीं, बिना छाने भी इसे सर्व कर सकते हैं। अब इसमें और बढ़िया टेस्ट के लिए डाल दीजिए थोड़ा सा बटर, और अगर आपको बटर नहीं खाना है तो मत डालिए। थोड़े से धनिया पत्ता, अच्छे लगेंगे ऊपर से दिखते हुए। ये गर्मा गर्म सहजन का सूप रेडी। इसके ऊपर थोड़ी सी क्रस्ट काली मिर्च डाल दीजिए, बहुत अच्छी लगेंगी। अब सब्जी बनाने के लिए 2 कच्चे आलू छील कर पानी में डालकर रख लिए थे, इन्हें छोटा छोटा काट लेते हैं। कढ़ाई में डाल दीजिए 3-4 टेबल स्पून सरसों का तेल, और अगर सरसों का तेल ना हो तो जो भी ऑयल आप यूज करते हैं वो ले लीजिए। ऑयल गर्म हो गया, अब इसमें डाल दीजिए ये आलू और इन्हें नरम होने तक भून लीजिए। फ्लेम तेज रखिए, इन्हें थोड़ी थोड़ी देर में चलाइए ताकि चारों ओर अच्छे से सिक जाए।
आलू गुलाबी गुलाबी दिखने लगे हैं, क्रश करके देख लेते हैं एक आलू को, कटने लगा यानी ये कुक हो गए। तो अब इन्हें निकाल लीजिए और अब इसी तेल में डाल दीजिए आधा छोटी चम्मच जीरा, एक पिंच हींग और अब ये दो टमाटर मीडियम साइज के, आधा इंच अदरक का टुकड़ा और एक छोटी सी हरी मिर्च, इनका पेस्ट बना लिया। अब बाकी के मसाले भी डाल दीजिए, एक चौथाई छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। और ये मसाले टमाटर का पेस्ट डालने के बाद ही डालिए, ये जलते नहीं है और अच्छे भुनते हैं। अब मसालों को तब तक भूनिए जब तक कि इनसे ऑयल अलग ना होने लगे। ये सहजन का पल्प, इन फली से निकले हुए ये बीज, अगर ये हार्ड हो तो इन्हें अलग निकाल कर पीस लीजिए और सॉफ्ट हो तो ऐसे ही ले लीजिए। ये पिसे हुए बीज छान लेते हैं। वैसे कुछ है नहीं छानने के लिए, बिल्कुल कोई फाइबर नहीं है। मसाला काफी भुन गया है, अब इसमें डाल दीजिए कसूरी मेथी, एक छोटी चम्मच ले लिए, थोड़ा क्रश करके डाल दीजिए। ये भी मसाले के साथ भुनेगी, अच्छा फ्लेवर देगी। मसाला भुन गया, अब इसमें डाल दीजिए 3/4 कप हरे मटर के दाने। ये फ्रोजन है, इन्हें ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ताज़ा मटर ले रहे हैं तो जब मसाला आधा पका हो तभी आप ये मटर के दाने डाल दीजिए और मसाले के साथ में उन्हें कुक होने दीजिए। ये फ्रोजन थे, मैंने थोड़ी देर से डाले, इन्हें ढककर लो मीडियम फ्लेम पर 3 मिनट कुक कर लीजिए। इसे 3 मिनट कुक कर लिया और ये मटर भी हमारे अच्छे से कुक हो गए। अब इसमें डाल दीजिए ये सहजन का पल और ये बीज जो पीसे थे और ये आलू, ये 3/4 छोटी चम्मच नमक या स्वाद अनुसार और 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला। ये घर का बना हुआ गरम मसाला है, थोड़ा तीखा है तो कम ही डालते हैं, और थोड़ा सा हरा धनिया। ये जो सहजन की सब्जी बन रही है ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है और खाने में भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। 2 मिनट ढककर और इसे कुक कर लीजिए ताकि सारे मसाले अच्छे से इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। 3-4 मिनट कुक कर लिया। अब इस सब्जी को और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच घी, बहुत बढ़ जाता है टेस्ट, और आप नहीं चाहते तो नहीं डालें। अब इसे निकालते हैं बोल में। सहजन का पल, सब्जी और सूप बन गए, और ये तो आपने देखा ही ये कितनी आसानी से बने हैं, कितनी जल्दी बने हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं। सहजन के पल्प को आप फ्रिज में रखकर 2 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि सहजन की फली से इस तरह से पल्प बनाने का तरीका आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसे सब्जी और सूप बनाइए और ये भी बताइए कि इससे और क्या बना सकते हैं। अपने सजेशन मुझे ज़रूर दीजिए, इनसे बहुत हेल्प मिलती है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई रेसिपीज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।